नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूं। मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत। मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतःकरण में समाये रखी हैं। ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और तुम्हारे शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत कराएंगी। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक अनोखे वीर पुत्र की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। वो दिन आया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ।